गाइस वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है लड़कियों को बेहद स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बनाती हैं ये बातें। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो लड़कियों को बेहद स्मार्ट बनाती है और इंटेलिजेंट। अगर आपको भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट गर्ल बनना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली बात है कि लड़कियों को मन से मजबूत बनना चाहिए, दिमाग से बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर हम होते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जन्म तो बहुत अच्छे घर में हुआ है, मम्मी पापा बहुत रईस हैं, ठीक है, लेकिन हम एसी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी हमें अगर एसी ना मिले तो हम बहुत अच्छे अच्छे खाना खाते हैं घर में, पौष्टिक आहार, मतलब हर चीज़ जो चीज़ें हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है बड़ी आसानी से, लाइफ बड़े मज़े में कट रही है। लेकिन कभी ये चीज़ें ना मिले तो इसलिए आपको ना हर सिचुएशन में ढलने आना चाहिए, जीने आना चाहिए, जिससे कि आप लाइफ आसानी से जी सको, ठीक है। और एक बात और है कि अगर आपको स्मार्ट बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो जैसे होता है ना कि आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हो या किसी काम को लेके बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, अगर आप कोशिश करते रहते हो तो जीत आपको मिल जाती है, आप सफल हो जाते हो। लेकिन अगर मन से आप हार जाते हो, आपकी जैसे दिमाग से आप सोचते हो कि नहीं अब मुझसे ये नहीं होगा, तब आप कोशिश करना छोड़ देते हो और ऐसे में आपसे सच में नहीं होगा और जो करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपको दिमाग से मजबूत होना होगा। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, क्यों आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आप अपना तरीका चेंज कर सकते हो, खुद में बदलाव ला सकते हो, मेहनत करने का तरीका स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हो, लेकिन आपको काम या मन से हार मानना नहीं है। मेंटली आपको स्ट्रांग होना है, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, बेवकूफ़ लड़की है, बेकार लड़की है, इतने दिन से एग्जाम की तैयारी कर रही है, दे रही है, कुछ नहीं हो रहा, इसका कुछ नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करना है। ये आपको कमज़ोर बनाती है, लेकिन कमज़ोर आपको नहीं बनना है, ठीक है। इस तरह से आपको जीना स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड टिप्स है कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। आपका लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी से भी जब आप मिलते हो तो ये फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है, इसलिए आपका लुक्स तो अच्छा होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको ड्रेसिंग सेंस भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अवसर के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, मौसम के अनुसार आपको ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए आपके पास, उस तरह का आपको मतलब कि पहनना चाहिए जिससे कि कहीं भी आपका मजाक ना बने। जैसे कि आपको ऑफिस में जाना है तो फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ आपको फैशनेबल ड्रेस पहन के नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर से बदबू है, आपको शरीर क्लीन रखना चाहिए, मतलब नहा धोवा कर अच्छे से जाना चाहिए, परफ्यूम का भी यूज कर लेना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको देख के ही लोगों को लगे कि बंदी जो है, ये लड़की जो है बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। आपके लुक्स से, आपके मतलब जो आप ड्रेस पहने हो उससे लगे कि वाकई में बहुत ही इंटेलिजेंट समझदार लड़की है और आपको जॉब आसानी से मिल जाए, या आपको लड़के वाले देखने भी आ रहे हैं तो आपको उस हिसाब से कपड़े पहनना चाहिए और इस तरह से आपको सजना संवरना चाहिए। हर चीज़ का मतलब एक माहौल होता है, उस माहौल के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। तीसरी बात है कि स्मार्ट बिहेवियर एंड थिंकिंग। जैसे होता है ना कि आपका व्यवहार बहुत स्मार्टली होना चाहिए, कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बात करना है, तो ये चीज़ें एकाएक डेवलप नहीं होती हैं। जैसे कि आप घर में तो हम बातें करते हैं तो मम्मी को तो बात सुना देते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिस में हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। तो वैसे में हम कैसे स्मार्टली बात करें कि हम ऑफिस में काम करते रहें और मतलब अच्छे भी बने रहें, ठीक है, और मतलब अच्छे से, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आप लोगों की बातों को सुने, समझें, तब बोलें, ठीक है, ज़रूरत हो तो। और जिस विषय में जानकारी ना हो तो आप चुप रहें। तो
और अपनी सोच को आप मतलब अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोचें। जैसे कोई आपके बारे में कह रहा है कितना कद इसका छोटा है, बहुत या बहुत लंबी है, इसकी टांगें कितनी पतली हैं, बहुत पतली दुबली लड़की है, बहुत हेल्दी है, कितनी मोटी है, कितनी काली है, तो ये चीज़ें अगर आप सच में हो तो आपको उसे दिल पे नहीं लेना है, स्मार्ट बनो, ठीक है। आप कोशिश करो अपने आप को इम्प्रूव करने की, मतलब उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करो, पतली हो तो हेल्दी होने की, तो मतलब आप अपने पे मेहनत करो और उस चीज़ से बाहर आने के लिए, निकलने के लिए, और ऑटोमेटिक सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुद पे फोकस करना है, ठीक है। और लेकिन कोई कहे उस समय तुरंत आपको मुंह लटका नहीं लेना है, ठीक है। मतलब मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, और आपको नॉर्मल रहना है, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कि आपको उकसाएं और आप कुछ बोलो और आपका मजाक बने, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ पे हमें काम करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा शांत भी रहना है, और सिचुएशन में कोई हमें मतलब कहने का मतलब कि हमें कोई परेशान ना कर पाए, तो इस तरह से आपको जीना स्टार्ट करना चाहिए। 4 पॉइंट से कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना तो घबरा जाते हैं, ठीक है। तो आपका स्मार्ट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपको एक्टिंग करना आना चाहिए। जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो और वहाँ सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको नहीं आता, थोड़ी बहुत आती है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। थोड़ी बहुत भी आती है ना तो ठीक है, हो सके कि और लोग हैं उनको भी थोड़ी बहुत ही आती हो, या अब हम बहुत बड़ी पार्टी में चले जाते हैं जहाँ लोग बहुत धनी होते हैं, रिच होते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एक्टिंग करना चाहिए कि आप भी सुंदर हो और आपका भी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपको भी बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो उसमें आपको वहाँ पर सिर्फ चुप रहना है और एक्टिंग करना है और प्यारी से स्माइल देते रहना है और यस नो में सिर्फ जवाब देना है, जैसे कि आपको लगे कि हाँ आप भी मतलब बहुत समझदार हो, तो इस तरह से रहना, घबराना नहीं है। चेहरे के हाव भाव में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आप एक्टिंग करते हो तो एक दिन रियल में आप अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट आप में आ जाएगा और आप एक समझदार लड़की, स्मार्ट लड़की बन जाओगी। तो इस तरह से एक्टिंग करना आपको लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग करनी चाहिए। 5 टिप्स है कि फेस पर प्यारी सी स्माइल रखें। हाँ, क्योंकि आजकल ना किसी को आपकी पर्सनल लाइफ से या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप दुखी हो या खुश हो, किसी से आपकी खुशी गम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपको हमेशा फेस पर प्यारी सी स्माइल रखना है, और आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, जो भी सिचुएशन है, उसे आपको खुद ही हैंडल करने आना चाहिए आपको, और बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, या बहुत क्लोज फ्रेंड है तो उनसे शेयर करना चाहिए, सबसे शेयर भी नहीं करना चाहिए। और फेस पर प्यारी सी हमेशा स्माइल रखनी चाहिए, ये स्माइल ना सिचुएशन को बहुत ईजी बना देती है और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट आपको दिखाती है, तो इसलिए आपको हमेशा चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए। जेन्युइन स्माइल अगर रखते हैं, क्योंकि आप ये सोच लें पास्ट में चीज़ें आपको जो अच्छी नहीं लगी हैं या बुरा आपके साथ कुछ हुआ भी है, तो आप अगर अच्छे से अब प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करते हो तो फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। इस सोच के साथ चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रखें। 6 टिप्स है कि वर्क स्किल पर काम करें, ठीक है। कोई भी हम काम करते हैं और उससे करने का स्मार्ट तरीका हमें नहीं पता होता है तो हमें सफल होने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन हम उसकी वर्क स्किल जो होती है कुशलता से उस काम को करते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर हम इम्प्रूव कर पाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में हमेशा हमें अपडेट रहना चाहिए, अपग्रेड रहना चाहिए, और अपने वर्क को लेके सीरियस रहना चाहिए और चेंज करते रहना चाहिए, और थोड़ा सा सीरियसली और अच्छे से स्मार्ट तरीके से हमें काम करना चाहिए और नई नई स्किल को सीखते हुए, तो लर्निंग पे हमेशा हमें फोकस करना चाहिए, तभी हम अर्न कर सकते हैं। 7 टिप्स है कि बातचीत करने का तरीका जो है स्मार्ट हो। जैसे कि हम किसी से बातचीत करें तो उस पर हम कुछ छाप छोड़ जाएं, है ना, कि वो फिर हमसे मिलना चाहे, फिर हमसे बातें करना चाहे, और उसके मन में कुछ हलचल हो कि तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। ये तो सिर्फ हो गई कि प्यार व्यार की बातें बॉयफ्रेंड से हो, या लेकिन ऐसे भी कोई भी पर्सन से हम मिले, चाहे वो हमसे छोटा हो, बड़ा हो, या जैसे कि उनका पद हमसे ऊँचा हो पोस्ट पर या कम हो, तो हम हर किसी से
स्मार्टली और अच्छे से बात करेंगे, स्माइल करते हुए बात करेंगे और दिमाग से काम लेंगे थोड़ा सा। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो हमें करवा बोल जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कैसे इग्नोर करें और कैसे रिएक्ट ना करें और अपने आप को संयमित कैसे रखें उस समय, अपने आप को काबू में अपनी भावनाओं को कैसे रखें और फिर भी स्माइल करके कैसे बात करें। तो ये कला आपको आनी चाहिए कि आपको सिर्फ मतलब करियर पे या खुद पे फोकस करना है। और जैसे कि एक कमेंट आया, मैम मेरी सासू माँ जो है ना मुझे जीने नहीं देती, हमेशा हर काम में नुक्स निकालती है, मतलब बुराई ही करती है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे जीऊँ। तो ऐसे में आपको ना खुद पे फोकस करना है और किसी से नपा तोला ही बात करना है, बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है और बहस में नहीं फंसना है। बहस में अगर हम फंसते हैं ना तो फिर उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो चुप रह जाना है और सिचुएशन को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके बाद खुद पे फोकस करना है, खुद से प्यार करना है, काम पे ऑटोमेटिक सब धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। जब आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हो और हर काम खुद से कर लेते हो तो लोग आपको ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो शांत रहना चाहिए, धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो जाओगे तो सब चीज़ें सही हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि जब नई बहू आती है तो उसे कम बोलना चाहिए, एक साल तक चुप रहना चाहिए, बाद में वो ज्वालामुखी चंद्रमुखी सब कुछ बन जाती है। तो ये फार्मूला काम करता है, आप भी ट्राई अपने लाइफ में ज़रूर करना। यही टिप्स है कि लाइफ में जो भी डिसीजन हो बुद्धिमानी से लेना और जल्दी लेना। जैसे कि कोई आपसे प्यार करता है या कोई अच्छा जीवन साथी का अवसर आपको मिला है, शादी का रिश्ता आया है, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और देख सुनकर अच्छा रिश्ता है अगर पेरेंट्स बोलते हैं तो कर लेना चाहिए, क्योंकि कैरियर तो हम बना ही लेते हैं। कैरियर में बहुत सारी लड़कियां सक्सेस कर चुकी हैं लेकिन अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है तो कैरियर बनने के बाद भी हमारी ज़िंदगी झंड हो जाती है। अच्छे परिवार का मिलना, अच्छा लड़का मिलना लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, तो ये चीज़ें भी आपको समझनी है, ठीक है। और कैरियर को भी साथ में लेना है, हाँ आप ऐसा करना ज़रूरी है, लेकिन अगर उस बीच कोई मिलता है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। या कहीं जॉब की भी बात हो रही है तो आपको जो कोर्स करना है कर लेना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं ये करती। तो इसलिए डिसीजन बहुत जल्दी और बुद्धिमानी से लेने आपको आना चाहिए। टिप्स है कि आपकी कुछ ऐसी बातें, गुप्त बातें या रहस्य, सीक्रेट जिसे कहते हैं, हर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, प्यार का चक्कर हो, या कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसे सबसे नहीं बताया जाना चाहिए, या आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते हैं और घर में छोटी मोटी आपको मतलब डांट पड़ती है, तो आप किसी बाहर वाले को मत बताओ। या आपके घर के क्या हालात हैं, आपको 100 रुपये में भी घर पर नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको सुनना पड़ता है, तो ये चीज़ें आपको बाहर में किसी फ्रेंड सर्कल में नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग आपका अंदाज़ा लगा देते हैं कि आप किस हाल में हो और मजाक का पात्र बनते हो, ठीक है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए, तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखें अगर स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल बनना है तो। 10 टिप्स है कि हमेशा आप उपलब्ध ना रहें कि कोई भी आपको कुछ काम दे और आप कर दें, नहीं, आप ना कहना आपको आना चाहिए। और आप भी कह सकते हो कि जैसे कि आप एक वाइफ हो तो आप मान लेते हैं कि आटा गूंथ रही हो, ठीक है, और आपके हस्बैंड आवाज़ लगाते हैं, तो आप कह सकते हो बस 2 मिनट में आई, मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट करके जाया करो। तो इस तरह से आपकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। आप अपने आप को हमेशा मतलब ऐसा मत करो कि आप बेकार हो, ठीक है, आपकी भी कुछ अपनी पहचान है, रिस्पेक्ट है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखो। तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की इस बात का ध्यान रखती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।